तो हेलो यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। असल में कुछ दिनों से मेरा गला ख़राब चल रहा है, तो शायद इस वजह से आपको मेरी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन फील हो। तो इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। वैसे तो ये 9 जून को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, 8 जून को ही रिलीज़ हो गई। मैंने इसे अभी अभी थिएटर में देखा। तो इसे देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस जैसा भी रहा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मैं आपसे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा। अब ट्रांसफॉर्मर्स हम लोगों के लिए कोई नया नाम तो है नहीं। इसमें कैसे रोबोट गाड़ियां और गाड़ियां रोबोट बन जाती हैं, ये तो हम सभी को पता है। और ये मूवी ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट 2018 वाली बम्बलबी का सीक्वल है। और अगर आपने पुरानी वाली ट्रांसफॉर्मर नहीं देखी, यहाँ तक अगर आपने बम्बलबी भी नहीं देखी तो भी चलेगा, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, किसी को भी समझ में आ जाएगी। कुछ बुरे रोबोट्स आ रहे हैं पृथ्वी पर एक छोटी सी चीज को ढूंढने के लिए, और इस चीज की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी पृथ्वी पर पहले से रह रहे कुछ अच्छे रोबोट्स यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स की है। और इसमें इंसान वाले कैरेक्टर्स पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए मूवी में इमोशनल एलिमेंट भी बना रहता है। और इसकी CGI बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ये रोबोट्स रियल में तो एग्जिस्ट करते नहीं है, लेकिन आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये कुछ फेक सा है। आदि पुरुष वालों, प्लीज आपसे गुजारिश है, कुछ सीखो। वो दौर गया जब आप हमारी भोली भाली इंडियन ऑडियंस को कुछ भी दिखाकर अपनी मूवी को हिट करवा लेते थे। अब हमारी ऑडियंस कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी है। खैर, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, क्या करूं, अपनी आदत से जो मजबूर हूं। मूवी की हिंदी डबिंग कुछ खास नहीं है, इसलिए जहां पर हंसी आनी चाहिए थी वहां पर नहीं आई, और कई अच्छे सीन पुअर हिंदी डायलॉग डिलीवरी के कारण स्पॉइल हो गए। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको इसे इंग्लिश में देखना चाहिए, अगर आप इसका पूरा मजा उठाना चाहते हैं। इस मूवी में आपको भर भर के एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, और अगर आप एक एक्शन लवर हैं, सो दिस मूवी इज डेफिनेटली मेड फॉर यू। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर सीरीज अच्छी लगती है, सो डेफिनेटली इसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। इसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई न्यूडिटी है और ना ही कोई अब्यूजिव वर्ड्स हैं। IMDB ने इसे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।